कारोबारी हफ्ते के पहले दिन यानी सोमवार 8 मई को बाजार में उछाल आया। इसकी वजह ये रही कि खरीदारों ने स्टॉक्स को एक्युमुलेट करना शुरू कर दिया। विशेष रूप से रियल्टी, बैंकिंग और ऑटो जैसे रेट सेंसिटिव सेक्टर से स्टॉक्स एक्युमुलेट हुए। डेटा से पता चला कि अमेरिका में एक और दर वृद्धि की संभावना कम है। वहीं पिछले कुछ हफ्तों में बॉन्ड यील्ड में धीरे धीरे कमी आई है, क्योंकि केंद्रीय बैंकों ने अपने आक्रामक रुख को एडजस्ट कर लिया है। इससे निवेशकों के विश्वास में सुधार हुआ है। ब्याज दर यहाँ से और नहीं बढ़ेगी। आज निफ्टी इंडेक्स 195.40 अंक या 1.08% बढ़कर 18,264.40 पर पहुंच गया। वहीं बीएसई का सेंसेक्स 709.96 अंक या 1.16% चढ़कर 61,764.25 पर पहुंच गया। जोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के विनोद नायर ने कहा, मजबूत घरेलू नतीजों और मजबूत रोजगार आंकड़ों के बाद अमेरिका की आर्थिक सुस्ती को लेकर चिंताएं कम होने से भारतीय शेयरों में भरोसा बढ़ा है। अमेरिकी डॉलर में हालिया कमजोरी घरेलू बाजार में अधिक विदेशी फंडों को आकर्षित कर ही है। इसकी वजह से FII लगातार 7 दिनों तक शुद्ध खरीदार बने हुए हैं। निफ्टी शेयरों में इंडसइंड बैंक 5% की बढ़त के साथ शीर्ष पर रहा। इसके बाद टाटा मोटर्स, बजाज फिनांस और बजाज फिनसर में सबसे ज्यादा तेजी रही। सबसे ज्यादा गिरावट कोल इंडिया, अदानी इंटरप्राइजेस और सन फार्मा में देखने को मिली। सेक्टोरल मैट्रिक्स काफी हद तक हरे निशान में नजर आया। निफ्टी ऑटो सबसे ज्यादा 1.79% ऊपर रहा। इसके बाद निफ्टी रियल्टी और निफ्टी बैंक में तेजी रही। दिन के दौरान निफ्टी मीडिया और निफ्टी पीएसयू बैंक में गिरावट नजर आई। ब्रॉडर मार्केट में भी खरीदारी देखी गई, हालांकि इसकी तीव्रता थोड़ी कम थी। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 1.02% चढ़ा, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 0.94% चढ़ा। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज यानी 8 मई को बढ़कर 276.12 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी शुक्रवार 5 मई को 273.78 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 2.34 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान की निफ्टी पर आए। श्रीकांत चौहान ने कहा कि तकनीकी रूप से पिछले शुक्रवार के करेक्शन के बाद बेंचमार्क निफ्टी ने एक बार फिर 18,050 के पास सपोर्ट हासिल किया और तेजी से वापसी की। इस उलटफेर के बाद इंडेक्स ने 18,200 के शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस को सफलतापूर्वक पार कर लिया, जो मोटे तौर पर पॉजिटिव रहा। चौहान ने आगे कहा कि डेली चार्ट पर इंडेक्स ने एक बुलिश कैंडल बनाया है। वर्तमान में यह आराम से 18,200 के स्तर से ऊपर कारोबार कर रहा है। इस लेवल पर इसे अहम सपोर्ट मिलेगा। इससे ऊपर जाने पर इंडेक्स 18,350 से 18,400 तक ऊपर चढ़ सकता है, जबकि दूसरी तरफ 18,200 से नीचे जाने पर अपट्रेंड कमजोर होगा। LKP सिक्योरिटीज के कुणाल शाह की निफ्टी पर आए। कुणाल शाह ने कहा कि इस समय निफ्टी इंडेक्स को बुल्स द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, वे अपनी पकड़ बनाए रखने में सफल रहे हैं। इंडेक्स पिछले सप्ताह के हाई पॉइंट से आगे निकल गया है। इसमें मजबूत खरीदारी के कारण बेस लेवल 18,000 से 18,200 पर शिफ्ट हो गया है। वर्तमान स्थिति बताती है कि इंडेक्स अभी भी खरीदारी के मोड में है। यह तब तक इसी मोड में रहेगा जब तक 18,200 के सपोर्ट पर टिके रहता है। moneycontrol.com पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स की सलाह लें।